जयपुर से बड़ी खबर है, पधारो महारे देश हुआ साकार। पर्यटक संख्या 10 करोड़ के पार पहुंची है और वर्ष 2022 में राजस्थान आए 10 करोड़ 87 लाख से ज्यादा पर्यटक। ये अच्छी खबर राजस्थान के लिए। घरेलू पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ 83 लाख, विदेशी पावणे आए 3,96,000। कोरोना के बाद प्रदेश में एक वर्ष में सर्वाधिक पर्यटक आए हैं, जबकि वर्ष 2021 में प्रदेश में महज 2,20,00,000 पर्यटक आए। एक वर्ष में 8 करोड़ से ज्यादा पर्यटक बढ़ना गहलोत सरकार का बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं। सुरक्षित प्रदेश के तौर पर पहचान और टीम राजस्थान, पर्यटन की मेहनत रंग लाई है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक रश्मि शर्मा की तिकड़ी का ये कमाल है। और हमारे स्टूडियो से, न्यूज रूम से जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी। निर्मल जी, ये एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिए कह सकते हैं, और इसीलिए भी क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में लगातार राजस्थान नवाचार करता रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, मेगा 2021 का मुझे याद है कि 19-20 में जो कोरोना काल था उसके बाद तो एक पूरा पर्यटन ढांचा जो था चरमरा गया था, लेकिन जिस तरह से हमने तेजी से रिकवरी करी, मुख्यधारा में लौटे, राजस्थान एक आज की डेट में एक लीडर की भूमिका में है। अगर पर्यटन क्षेत्र की हम बात करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, राजस्थान लीडर की भूमिका में इसलिए है कि जो कोरोना मैनेजमेंट था वो इतना शानदार रहा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में, जो सूबे के मुखिया हैं उनके नेतृत्व में कोरोना का मैनेजमेंट इतना शानदार रहा कि पूरे देश दुनिया में पता पड़ा कि राजस्थान मॉडल क्या है। राजस्थान मॉडल को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया देश के, और विदेशों में भी कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने राजस्थान मॉडल को अपनाने की कोशिश की, उससे निजात भी भाई कोरोना से अपना छुटकारा पाया। अब आप देखिए कि जिस तरह का मैनेजमेंट रहा उससे सबसे सुरक्षित प्रदेश के तौर पर राजस्थान की पहचान बनी। उसका नतीजा यह था कि 2021 में जहां 2,35,00,000 के आसपास पर्यटक राजस्थान में थे, वो सीधे एक वर्ष के अंदर 10,87,00,000, यानी 8 करोड़ से ज्यादा एक ही साल में पर्यटक बढ़ना निश्चित तौर पर दो बातें हमें बताता है कि पहली बात तो कि जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट हुआ, देश दुनिया को हम बताने में सफल रहे कि हम सबसे सुरक्षित हैं। दूसरा, हमने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। सीधे तौर पर बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तो निश्चित तौर पर उनके दिशा निर्देश थे, सूबे के मुखिया हैं, लेकिन जिस तरह से पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने काम किया, जिस तरह से पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने काम किया, खास तौर पर अगर मैं नाम लेना चाहूं तो प्रमुख शासन सचिव जो विभाग की हैं गायत्री राठौड़, उन्होंने जबरदस्त लीडरशिप दिखाई। उनके साथ साथ डायरेक्टर रश्मि शर्मा की बात करें, डॉक्टर रश्मि शर्मा, जबरदस्त उन्होंने अपना तालमेल दिखाया। पर्यटन निगम के साथ तालमेल देखिए कि खुद धर्मेंद्र राठौड़ जो पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं वो खुद विदेशी मार्ट में जाते हैं और राजस्थान के लिए रोड शो करते हैं, राजस्थान पर्यटन के लिए। वीपी सिंह जो प्रबंध निदेशक हैं और एंटायर टीम है पर्यटन की, और साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उसका फायदा यह हुआ कि जैसे ही राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया राजस्थान में, वैसे ही जितना भी निर्मल जी आपको रोकना चाहेंगे। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे की मुलाकात, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मातोश्री में ये मुलाकात हो रही मातोश्री में, ये बड़ी आपको जानकारी देख रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब दोनों की ये मुलाकात हो रही। इससे पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो तमाम चीजें और इस ये मिलना, मुलाकात होना, बहुत सारे संकेत ये होते हैं। हालांकि इसका रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन क्योंकि हम बता रहे थे कि किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान नवाचार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और पर्यटक जो है लगातार आ रहे हैं। एक आंकड़ा जो है 10 करोड़ का वो पार कर लिया है। निर्मल जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। निर्मल जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मेगा, उसको कोरोना मैनेजमेंट का फायदा ही हुआ और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का फायदा ही हुआ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने भी अपने अपनी यूनिट्स में आधारभूत ढांचे बढ़ाए, ढांचों का विकास किया। अगर हम होटल्स की बात करें, रिसोर्ट्स की बात करें, छोटे छोटे हॉकर वेंडर जितने भी जो रोजगार के लिए तरस रहे थे कोरोना काल में, जिनका रोजगार छिन गया था, उनको वापस न केवल रोजगार मिला, राज्य सरकार ने उनके कंधे पर हाथ रखा, तो उन्होंने निश्चित तौर पर एक टीम वर्क की तरह काम दिखाया। और एंटायर टीम है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की, राजस्थान टूरिज्म की बात करें या पर्यटन निगम की, जबरदस्त काम किया। जबरदस्त काम का नतीजा देखिए मेरे पास पूरी फेहरिस्त है मेगा, सीधे तौर पर बात करें तो 10 करोड़ 83 लाख तो इसमें घरेलू पर्यटक थे और 3,96,684 यानी लगभग 4 लाख विदेशी पर्यटक थे। अब चूंकि अजमेर देखिए आजकल इस समय अजमेर इससे भी एप्पल ऑफ आई इसलिए बना हुआ है कि धर्मेंद्र राठौड़ का फोकस पूरा अजमेर पर है। पुष्कर और अजमेर के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस लगाया, ब्रह्मा मंदिर का उन्होंने काम शुरू करवाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पैलेस ऑन व्हील्स को दोबारा शुरू किया, तो अजमेर पर्यटकों की आवक के मामले में भी, स्वदेशी पर्यटकों की आवक के मामले में अजमेर न केवल अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, वो पहले स्थान पर भी रहा। अजमेर के हम सीधे तौर पर बात करें तो एक आप देखिए अजमेर के अंदर
13 करोड़ 29 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। उसका कारण है ख्वाजा की नगरी है, ब्रह्मा मंदिर वहाँ है, तो वहाँ न केवल जायरीन वहाँ पर पहुँचते हैं, जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम अजमेर को देखने के लिए। अजमेर में चूंकि पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करें तो अजमेर बहुत सशक्त है, तो अजमेर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचे। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचता है तो 1 करोड़ 16 लाख टूरिस्ट सीकर पहुँचे और 1 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट सवाई मधोपुर। सवाई मधोपुर इसलिए कि रणथंभौर सेंचुरी है, हमीर की नगरी है, निश्चित तौर पर वहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के शौकीन जबरदस्त तरीके से जाते हैं। राजधानी का जो प्रतिनिधित्व करता है जयपुर जिला, उसमें बात करें तो 33 लाख 72 हज़ार से ज्यादा घरेलू पर्यटक जयपुर पहुंचे। लेकिन जयपुर की खास बात यह रही कि जो भी विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए उसमें सर्वाधिक 1,59,210 पर्यटक जयपुर में पहुंचे। तो जयपुर ने निश्चित तौर पर स्मारकों के मामले में जयपुर ने बाजी मारी। जयपुर ने इसलिए भी कि आज जितने भी हिल फोर्ट्स हैं उसमें आमेर तो आपको पता है सबसे अव्वल है, विश्व विरासत में शुमार है, आमेर देखने सबसे ज्यादा लोग आते हैं, नाहरगढ़ जाते हैं, नाहरगढ़ किस तरह से उनको एक सनसेट पॉइंट यहां पर देखना है, हवा महल जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, उसके अलावा अल्बर्ट हॉल देखते हैं, साथ साथ ईसरलाट की बात करें, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, तमाम ऐसे स्मारक हैं। और सिर्फ जयपुर की बात क्यों करें, राजस्थान पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो सिर्फ 33 तो ऐसे मॉन्यूमेंट और संग्रहालय हैं जो कि पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जो प्रदेश का है वो उनको डील करता है, उसके अलावा 164 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास हैं। सभी जगह आधारभूत ढांचा इतना जबरदस्त तरीके से डेवलप किया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी और प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने भी, ताकि क्योंकि देखिए राजस्थान जो है मेगा, सीधे तौर पर सब जानते हैं कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें दो बड़े भाग हैं, पहला पर्यटन और दूसरा खनन। तो पर्यटन में हम एक पायोनियर की स्थिति में हैं, हम आज ऐसी स्थिति में आ गए जिस तरह से 10 करोड़ 87 लाख पर्यटक आना।